नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद में राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग। हरियाणा कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने की मुलाकात। पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी के 194 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राहुल सिन्हा और अदाकारा रूपा गांगुली का नाम भी शामिल। सीईसी की बैठक में केरल के उम्मीदवारों पर नहीं बन सकी सहमति। जाट नेताओं की हरियाणा सरकार के साथ आज चंडीगढ़ में बैठक। बैठक के बाद ही आंदोलन पर होगा फैसला। संवेदनशील इलाकों में अर्धसैनिक बल तैनात। विजय माल्या केस में सीबीआई ने 4 देशों से मांगी मदद। 6 लाख बैंकिंग लेनदेन की पड़ताल शुरू। पेशी के लिए माल्या ने अप्रैल तक का मांगा वक्त। पठानकोट हमले की जांच के लिए 27 मार्च को भारत आएगा पाकिस्तानी दल। नेपाल में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की सरताज अजीज से मुलाकात। प्रधानमंत्री को सार्क शिखर सम्मेलन का न्योता। सतलुज यमुना लिंक नहर मामले में हरियाणा कांग्रेस राष्ट्रपति से दखल की मांग की है। कल हरियाणा कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस के सांसद और विधायक शामिल थे। कांग्रेस ने पंजाब सरकार के कदमों की आलोचना करते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग की। इसके अलावा हरियाणा कांग्रेस ने हरियाणा सरकार को बर्खास्त करके वहाँ भी राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। कांग्रेस का कहना है कि सतलुज यमुना लिंक नहर से जुड़े किसानों की जमीन वापस करने से जुड़े पंजाब सरकार के विधेयक को राज्यपाल से मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए। ऐसे समय में जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही हो, इस प्रकार से पंजाब की सरकार का रवैया जो रहा, ये संविधान के अगेंस्ट है। इससे न जाने किस प्रकार की परिस्थितियां इस देश में, दोनों प्रदेशों में पैदा हो जाएं। इस संकट को टालने के लिए हमने राष्ट्रपति महोदय से निवेदन किया है कि पंजाब की अकाली भाजपा सरकार को तुरंत प्रभाव से डिसमिस करके वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। और इससे पहले कल सतलुज यमुना लिंक नहर मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस मामले में गृह सचिव समेत 3 लोगों को रिसीवर बनाया है। पंजाब विधानसभा ने लिंक नहर के लिए अधिग्रहित जमीन वापस करने से जुड़ा बिल पास किया है, जिसके बाद दोनों राज्यों के बीच विवाद बढ़ गया है। इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंजाब के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर तय जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने की अपील की है। पंजाब और हरियाणा के बीच सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है और इस बारे में केंद्रीय गृह सचिव, पंजाब के मुख्य सचिव और डीजीपी को रिसीवर तैनात किया गया है। सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ होम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और डीजीपी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी स्टेट ऑफ पंजाब, इन तीनों को ज्वाइंट रिसीवर नियुक्त किया। वो जाके मौके पे जो भी डिमोलिशन वर्क चल रहा है या उसको लेवलिंग का वर्क चल रहा हैवी अर्थ मूवर्स लगे हुए हैं, उन सबको वहाँ से हटा के स्टेटस को मेंटेन करेंगे। विवाद की वजह पंजाब विधानसभा से पारित वो बिल है जिसमें सतलुज यमुना लिंक नहर के लिए किसानों से अधिग्रहित की गई 3,928 एकड़ जमीन वापस करने का प्रावधान है। बिल पारित होते ही किसानों ने नहर पर कब्जा कर उसे पाटने का काम शुरू कर दिया। इधर हरियाणा सरकार ने पंजाब की ओर से भेजे गए 191,75,00,000 रुपए के चेक को लौटा दिया है, जो SYL नहर के निर्माण के लिए हरियाणा ने दिए थे। हमने अपना ऑब्जेक्शन भी इसमें दर्ज कराया था, अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। बादल साहब को भी मैंने अपनी नाराजगी व्यक्त की थी और हम लोगों ने इसका एक निंदा प्रस्ताव भी पारित किया था, जो केजरीवाल ने बोला था, और जो भी गलत काम हुए थे उसके ऊपर सब प्रयत्न हमने किए थे और जिसके कारण से सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, तो बहुत ही एक संतोष की बात है। इफ यू गो बाय द राइपेरियन एक्ट, पंजाब हैज नो वाटर टू गिव एंड पंजाब इज द रेट वी आर प्रोड्यूसिंग व्हीट एंड राइस फॉर द नेशन At the rate you're going, we'll come desert. इसलिए कि साढ़े कुले हुन पानी बिल्कुल नहीं है। पंजाब पुनर्गठन एक्ट 1966 के तहत 3.5 MAF पानी हरियाणा को दिया जाना है।
इस पानी को हरियाणा तक पहुंचाने के लिए सतलुज यमुना लिंक नहर पर काम शुरू हुआ। निर्माण के लिए कई बार राशि देने के बाद भी नहर नहीं बनी तो हरियाणा ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। इसके बाद से ये मामला कानूनी दांवपेच में उलझ गया। रविंद्र सिंह चौहान, राज्यसभा टीवी। जाट समुदाय के नेताओं और हरियाणा सरकार के बीच आज चंडीगढ़ में बैठक होगी। इसके बाद ही जाट नेता आगे आंदोलन करने पर कोई फैसला करेंगे। इससे पहले आंदोलन की चेतावनी के बाद संवेदनशील जिलों में अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। केंद्र सरकार ने 3,000 अर्धसैनिक बल के जवानों को हरियाणा भेजा है। हरियाणा के रोहतक में एक बार फिर पुलिस का पहरा है। जाट आंदोलन फिर शुरू करने की चेतावनी के बाद प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। एहतियात के तौर पर रोहतक में कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। रोहतक के अलावा झज्जर और दूसरे संवेदनशील जिलों में अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। केंद्र ने 3,000 अर्धसैनिक बल हरियाणा भेजे हैं, जिनमें से 300 अर्धसैनिक बल मुरक नहर की सुरक्षा में तैनात किए जाएंगे। सभी जिला के उपायुक्त और SP को निर्देश दिए गए हैं कि वो 27 से इनको डील करेंगे, रास्ता रोकना या और कोई हिंसात्मक कार्रवाई अगर कोई करता है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अखिल भारतीय जाट महासभा ने आरक्षण से जुड़ा बिल गुरुवार तक पारित करने को कहा था। ऐसा नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई थी। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस चेतावनी को ज्यादा तवज्जो नहीं दी है। ये हमने ये कहा है कि इस सत्र के दौरान कभी भी पेश होगा, इसके भी कोई तिथि तय नहीं है। वो भी तैयार हो रहा है, उसमें जो भी लोग उसको तैयार करने वाले हैं उसकी जितनी भी बारीकियां हैं उसको समझ करके और संबंधित पक्षों से बातचीत करने के बाद उसको तैयार करेंगे। उधर हिसार में जाट महासभा ने गुरुवार को बैठक में आंदोलन की रणनीति पर विचार किया। जाट समुदाय ने आरक्षण समेत 7 मांगे रखी है। जो 7 मांग हमने उसमें दी थी, 7 मांगों को लेकर सरकार ने कल प्रमुख सचिव और DGP की अध्यक्षता में एक कमेटी का एक मीटिंग का आयोजन किया है, जिसमें हमारे भी 100 प्रतिनिधि 21 जिलों से भाग लेंगे और उसके बाद वहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम लोग पूरी व्यू रचना अपनी बता देंगे। पिछड़ा वर्ग में आरक्षण की मांग को लेकर जाट समुदाय का आंदोलन फरवरी में हिंसक हो गया था। इसमें 30 लोगों की जान चली गई थी, जबकि कम से कम 30,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति को नुकसान पहुंचा था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हरियाणा सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी रिपोर्ट में सोनीपत के मुरथल में महिलाओं के साथ दुष्कर्म के आरोपों को खारिज किया है। हालांकि इसमें कहा गया है कि कुछ महिलाओं का उत्पीड़न किया गया। PTI के मुताबिक रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि पिछले महीने के जाट आंदोलन के दौरान महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोप गलत थे। हरियाणा सरकार ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि शिकायत दाखिल करने के लिए कोई चश्मदीद या पीड़ित सामने नहीं आए हैं। BJP ने कल पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए 194 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी। पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राहुल सिन्हा और अदाकारा रूपा गांगुली का नाम भी सूची में शामिल है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इन उम्मीदवारों के नामों पर सहमति बनी। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। सूची का ऐलान करते हुए CEC सचिव JP नड्डा ने बताया कि युवा उम्मीदवारों को वरीयता दी गई है। इनमें 26 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। इस सूची के साथ ही BJP ने राज्य की 294 सदस्य विधानसभा में 246 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। राहुल सिन्हा कोलकाता के जोरासांको सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि रूपा गांगुली हावड़ा उत्तर सीट से अपनी किस्मत आजमाएंगी। हालांकि कुछ लंबित मुद्दों के चलते केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में केरल के उम्मीदवारों पर सहमति नहीं बन सकी। इनमें से 194 सीट्स डिक्लेयर कर रहे हैं और समाज के सभी वर्गों को इसमें प्रतिनिधित्व दिया गया है। इट्स ए वेरी वेल कंपोज लिस्ट रिप्रेजेंटिंग ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, युवा महिला, कुल मिलाकर के 26 महिलाएं, अधिकांश युवा हैं और समाज के सभी वर्गों का रिप्रेजेंटेशन इस लिस्ट में है। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन को लेकर जारी अटकलों के बीच BJP अध्यक्ष अमित शाह ने गुरुवार को PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती से मुलाकात की। महबूबा मुफ्ती संसद के बजट सत्र में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली आई हुई थी। PTI के मुताबिक करीब आधे घंटे तक चली इस बैठक में दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन को बहाल करने पर बात हुई। जनवरी में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद PDP ने गठबंधन पर अपना रुख कड़ा कर लिया था। PDP गठबंधन बहाली के लिए राज्य के विकास से जुड़ी ठोस योजनाओं की मांग कर रही है। इस बीच लोकसभा में जम्मू कश्मीर से जुड़ी विकास योजनाओं में तेजी लाने के वित्त मंत्री के आश्वासन के बाद गठबंधन बहाली की चर्चाएं तेज हुई हैं।
विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच चुनाव आयोग ने बंगाल में 35 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इन सभी अधिकारियों को चुनाव प्रक्रिया से दूर रखने का निर्देश दिया गया है। इन अधिकारियों में एक जिलाधिकारी, 4 पुलिस अधीक्षक शामिल हैं। इसके अलावा 2 SDPO और 1 SDO और 24 थाना प्रभारियों का तबादला किया गया है। इससे पहले बुधवार को चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक की थी। बैठक के ठीक एक दिन बाद रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए आयोग ने ये तबादले किए हैं। ₹7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के बैंक लोन बकाया मामले में CBI ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। जांच एजेंसी माल्या के करीब 6 लाख बैंकिंग लेनदेन की पड़ताल कर रही है। इनमें से 60% से ज्यादा लेनदेन बाहरी देशों को किए गए हैं। PTI के मुताबिक CBI को इस मामले में 4 देशों को धन जाने की जानकारी मिली है। हालांकि इन देशों का नाम नहीं बताया गया है। माल्या को लोन देने वाले 17 बैंकों के अधिकारी भी CBI जांच के दायरे में हैं। हालांकि CBI की पहल के बावजूद इन बैंकों में से किसी ने माल्या के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत नहीं की है। और इस बीच कर्ज में डूबे विजय माल्या की संपत्ति को बेचने निकले बैंकों को कल मायूस होना पड़ा। मुंबई में ऐसी ही एक संपत्ति का कोई खरीदार नहीं मिला। वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि माल्या से पाई पाई वसूली जाएगी। मुंबई में विजय माल्या के किंगफिशर हाउस को कोई खरीदार नहीं मिला। इमारत की ई नीलामी की प्रक्रिया गुरुवार सुबह 11:30 बजे शुरू हुई, लेकिन 1 घंटे बाद भी खरीदारों ने इसमें रुचि नहीं दिखाई तो नीलामी रोकनी पड़ी। इसी इमारत में बंद पड़ी किंगफिशर एयरलाइंस का कार्यालय था। माल्या को कर्ज देने वाले 17 बैंकों के कंसोर्टियम ने इसकी कीमत 150 करोड़ रुपए रखी थी, लेकिन कानूनी दावपेंचों में फंसी इस संपत्ति को खरीदने से लोग बच रहे हैं। इस बीच 2 मार्च को ब्रिटेन चले गए विजय माल्या ने प्रवर्तन निदेशालय से पेशी के लिए अप्रैल तक का समय मांगा है। एजेंसी ने उन्हें शुक्रवार यानी 18 मार्च को हाजिर होने का समन भेजा है। IDBI बैंक ने किंगफिशर एयरलाइंस को करीब 900 करोड़ रुपए का कर्ज दिया था, लिहाजा निदेशालय माल्या से पूछताछ करना चाहता है। इसी मामले में किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी ए रघुनाथन से गुरुवार को भी पूछताछ हुई। वहीं दिल्ली में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि माल्या से पाई पाई वसूली जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी एजेंसियां और बैंक इस काम में लगे हुए हैं। दिस हैज ब्रॉट अ ह्यूज बैड नेम बोथ टू इंडियाज बैंकिंग एज आल्सो टू इंडियाज प्राइवेट सेक्टर एंड आई थिंक इट्स एक्सट्रीमली डेंजरस फॉर द फ्यूचर दैट इफ यू आर नॉट एबल टू रेमेडी दिस। विजय माल्या से कर्ज की वसूली के लिए कई अदालतों में मामला चल रहा है। बैंकों का उन पर 9,000 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस ने दावा किया है कि उसके सहयोग के चलते ही संसद के बजट सत्र के पहले हिस्से में कई अहम विधेयक पारित हो सके हैं। कांग्रेस नेताओं ने संसद के भीतर पार्टी के रुख को लेकर भी अपना पक्ष रखा। कांग्रेस ने बजट सत्र के पहले हिस्से की कामयाबी के लिए खुद की पीठ थपथपाई और दावा किया कि संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने और कई विधेयकों को पारित करने का श्रेय कांग्रेस को जाता है। दोनों सदनों में जो रिकॉर्ड काम हुआ उसके लिए अगर गवर्नमेंट शायद एक सदन में क्रेडिट लेने की कोशिश करेगी कि उसमें उनका बहुमत है, लेकिन दूसरे सदन में राज्यसभा में शायद कांग्रेस को BJP से ज्यादा क्रेडिट लेना होगा क्योंकि उनके बगैर एक भी बिल पास नहीं हो सकता था। कांग्रेस का कहना है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और आधार विधेयक में संशोधन पारित करने के पीछे मकसद सरकार की राज्यसभा को दरकिनार करने की कोशिश को नाकाम करना था। 2 अमेंडमेंट्स जो हमने राष्ट्रपति के अभिभाषण में जो लाई और आधार बिल में बिल अमेंडमेंट लाई, इससे ये सिद्ध कर दिया हमने एक तरीके से कि गवर्नमेंट को राज्यसभा को लाइटली नहीं लेना चाहिए। पार्टी ने राहुल गांधी की ओर से लोकसभा में उठाए गए मुद्दों का भी जिक्र किया और साथ ही राहुल गांधी के दोहरी नागरिकता विवाद को एथिक्स कमेटी को भेजने की आलोचना भी की। दे आर ब्लाइंडली रेफर्ड द केस ऑफ सिटीजनशिप ऑफ राहुल गांधी टू द एथिक्स कमेटी without any sense of judgment, without even making out a case. कांग्रेस ने केंद्र सरकार की विदेश नीति और राफेल लड़ाकू विमान सौदे को लेकर भी खिंचाई की।
विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। खबरें जा रही हैं, हम लौट रहे हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कलम गवाह है कि पहले अंक में मुलाकात वरिष्ठ संपादक एस निहाल सिंह के साथ। जब झगड़ा हो रहा था जनता पार्टी गवर्नमेंट में, रोज वाजपेयी जी कहते हैं भाई मैं तो ये कहता हूँ कि इससे अच्छा तो ये है इंदिरा जी वापस आ जाए। रामनाथ जी थे, उन्होंने मुझे बड़ा बायस्ड एडिटोरियल भेजा, तो मुझे यही खेद है कि मैंने वो रखा नहीं एडिटोरियल में, मैंने वो फेंक दिया वेस्ट पेपर पास कर। कलम गवाह है, शीर्ष संपादकों से संवाद सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सूफी संतों की शिक्षा के जरिए दुनिया से आतंकवाद का खात्मा किया जा सकता है। गुरुवार को दिल्ली में 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सूफी फोरम का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अल्लाह के 99 नामों में से कोई भी हिंसा नहीं सिखाता। हिंदुस्तान की तकरीबन 150 खानकाहों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जब चारों तरफ हिंसा का अंधेरा फैलता है तो सूफी समुदाय नूर बनकर इस अंधेरे को दूर करता है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने दोहराया कि आतंकवाद और धर्म को एक चश्मे से देखना सही नहीं है। टेररिज्म डिवाइड्स एंड डिस्ट्रॉयर्स, इंडीड व्हेन टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म have become the most destructive force of our times, the message of Sufism has global relevance. सम्मेलन में शिरकत करने आए उलेमा मशायख बोर्ड के अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अशरफ ने सूफी शिक्षा को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाए जाने की मांग की। अमन, मोहब्बत, उखुवत और मल्टीप्लिसिटी इन डाइवर्सिटी एंड टॉलरेंस, एक्सेप्टेंस एंड अनकंडीशनल लव के पैगाम को हमें आम करना है और वर्ल्ड सूफी फोरम इसी मकसद को लेकर हो रहा है। इस सम्मेलन में दुनिया के 20 देशों से करीब 200 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं, इनमें इराक, मिस्र और पाकिस्तान के सूफी शामिल हैं। इस मौके पर सभी प्रतिनिधियों ने दुनिया में शांति कायम करने के लिए प्रयास तेज करने की अपील की। मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में गुरुवार को एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर उन 51 पत्रकारों और फिल्मकारों को सम्मानित किया गया जो लिंग संवेदनशीलता के विषय पर बेहतरीन काम कर रहे हैं। दिल्ली में आयोजित एक रंगारंग कार्यक्रम में उन मीडिया कर्मियों और साहित्यकारों को डार्डली मीडिया और एडवर्टाइजिंग अवार्ड से नवाजा गया जिन्होंने कैमरा या कलम के जरिए लिंग भेद के मसले को प्रमुखता से उठाया है। कार्यक्रम में राज्यसभा टेलीविजन के CEO गुरदीप सिंह सप्पल और इंडियन बैंक के प्रबंध निदेशक MK जैन समेत कई जाने माने लोग मौजूद थे। इस मौके पर राज्यसभा टेलीविजन के CEO ने कहा कि महिलाओं को राजनीति समेत तमाम क्षेत्रों में बराबर की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। Equality does not mean that you set certain benchmarks, you have a standardized framework, and all male, female, children, people from different ideologies conform to a regular set of benchmarks or a framework. It actually means option to dream and exercise freedom. Freedom of choice. कार्यक्रम में असमी साहित्यकार निरुपमा बारगोहाई को लाडली लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे सभी वक्ताओं ने कहा कि मीडिया में महिलाओं के मुद्दों को प्रमुखता से जगह मिलनी चाहिए। ये पॉपुलेशन फर्स्ट की एक कैंपेन है जो जेंडर सेंसिटिविटी मीडिया में बढ़ाने की काम करता है, तो हम इस दौरान बहुत सारे एक्टिविटीज़ करते हैं, उसमें एक एक्टिविटी है मीडिया अवार्ड्स। हमारे ईस्टर्न और नॉर्थन दोनों जगह से लोग आए हैं और सबके बीच में एक बात आ रही है कि मैं भी एक काम कर रही हूँ, तो अच्छा लगता है, बहुत ही इंस्पिरेशन वर्क है। लाडली पुरस्कार एक गैर सरकारी संस्था की तरफ से दिए जाते हैं। इन पुरस्कारों के लिए इस साल 1200 लोगों को नामित किया गया था। अवार्ड ज्यूरी में संपादक, लेखक और शिक्षाविद शामिल थे। नव विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी।
आम बजट में प्रस्तावित 1% एक्साइज ड्यूटी के खिलाफ देश भर के सराफा कारोबारियों ने कल दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली की। कारोबारियों ने एक्साइज ड्यूटी वापस लेने तक हड़ताल जारी रखने की चेतावनी दी है। आभूषण व्यापारियों का दावा है कि हड़ताल से अब तक 20,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। देश भर के सराफा व्यापारी गुरुवार को रामलीला मैदान में जुटे। मकसद था बजट में घोषित 1% की एक्साइज ड्यूटी का विरोध करना। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि बजट पर चर्चा के दौरान भी वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उनकी चिंताएं दूर नहीं की, लिहाजा उनके पास अनिश्चितकालीन हड़ताल के सिवा कोई चारा नहीं है। सरकार की आंख कान नाक मुंह सब बंद है, सरकार को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये किसको क्या कर रही है। ऐसी एक्साइज ड्यूटी का क्या फायदा जब व्यापारी अपने व्यापार को खो देगा। पिछले 16 दिनों से चल रही हड़ताल में 358 संगठनों के करीब 3,00,000 लोग शामिल हैं। इनमें वो लोग भी हैं जो कारोबारियों के यहाँ मजदूरी कर रोजी रोटी कमाते हैं। एक महीने से इन लोगों को तनख्वाह भी नहीं मिली है और अब नौकरी जाने का डर सता रहा है। सरकार ने वापस नहीं लिया तो मे भी हो सकता है कि आप कटौती करनी शुरू कर दे स्टाफ में। अगर स्टाफ ही कम हो जाएगा तो उनका घर कैसे चलेगा। अगर एक्साइज लगेगा तो स्टाफ भी आधा होगा, तो मैं गवर्नमेंट से अपील करती हूँ कि एक्साइज को हटाएं प्लीज। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी सराफा कारोबारियों के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर 1% एक्साइज ड्यूटी वापस लेने की मांग की। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम बजट में चांदी को छोड़कर दूसरे आभूषणों पर 1% उत्पाद शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा था। वित्त मंत्री ने मंगलवार को लोकसभा में आम बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए इस प्रस्ताव को वापस लेने से इनकार कर दिया था। हर वस्तु GST के दायरे में आती है, इसलिए ये उसकी तैयारी का है और किसी का हैरेसमेंट नहीं होगा। किसी मान्य सदस्य को हैरेसमेंट का पता चले क्योंकि कोई इंस्पेक्शन के लिए नहीं जाएगा, सेल्फ सर्टिफिकेशन होगा, इसकी क्लियर इंस्ट्रक्शन हम लोगों ने दे दी। जेम्स और ज्वेलरी ट्रेड फेडरेशन का कहना है कि सरकार एक्साइज ड्यूटी वापस लेकर गोल्ड पर 1% आयात शुल्क बढ़ा सकती है। इससे पहले साल 2005 और 2012 में भी गहनों पर एक्साइज ड्यूटी लगाने की घोषणा की गई थी, लेकिन सराफा व्यापारियों के विरोध के बाद इसे वापस ले लिया गया था। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। पठानकोट में आतंकी हमले की जांच के लिए पाकिस्तान का विशेष जांच दल 27 मार्च को दिल्ली आएगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और पाकिस्तान के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज के बीच नेपाल में हुई मुलाकात में यह तय हुआ। इस मौके पर सरताज अजीज ने नवंबर में इस्लामाबाद में होने वाले सार्क शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाने का न्योता भी सौंपा। सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और पाकिस्तान के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज के बीच अलग से मुलाकात हुई। इस दौरान पठानकोट आतंकी हमले का मुद्दा उठा। मुलाकात के बाद सुषमा स्वराज ने बताया कि पठानकोट मामले की जांच के लिए पाकिस्तान की SIT टीम 27 मार्च को दिल्ली पहुंचेगी। पठानकोट की बात भी हमारी हुई और मुझे खुशी है कि जो इतने दिनों से आप प्रतीक्षा कर रहे थे JIT कब आएगी, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की कोई तारीख तय हुई या नहीं हुई, तो वो तारीखें भी तय हो गई हैं। 27 तारीख की रात को जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम भारत पहुंचेगी और 28 तारीख से अपना काम शुरू करेगी। सरताज अजीज ने कहा कि पठानकोट मामले के अलावा दोनों देशों के बीच अन्य सभी मामलों पर भी विस्तार से बात हुई। अब अगला जो मौका है वो इस साल इस महीने के आखिर में 31 मार्च को प्राइम मिनिस्टर साहब भी वाशिंगटन जा रहे हैं, नवाज शरीफ साहब भी, प्राइम मिनिस्टर मोदी भी जा रहे हैं, नवाज शरीफ साहब भी वहां जा रहे हैं, तो उम्मीद तो है कि दोनों की मुलाकात होगी। हालांकि दोनों देशों के बीच इस मसले पर फिलहाल राय नहीं बन पाई कि दोनों देशों के बीच विदेश सचिव स्तर की बातचीत कब होगी। पठानकोट हमले के बाद ये वार्ता औपचारिक रूप से लंबित है। भारत साफ कर चुका है कि इसके लिए पाकिस्तान की ओर से पठानकोट हमले में शामिल आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। भारत ने सार्क सदस्य देशों के बीच यातायात को बढ़ाने की अपील की है। सार्क विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सुझाव दिया कि सदस्य देशों के बीच विकास कार्यों के लिए नेटवर्क बनाना चाहिए, इससे मानव संसाधन के अनुभवों का फायदा सबको मिलेगा। नेपाल के पोखरा में हुए विदेश मंत्री स्तर की बैठक में भारत ने मुक्त व्यापार संधि को मजबूत बनाने की अपील की। नेपाल के पोखरा शहर में गुरुवार को सार्क विदेश मंत्रियों के सम्मेलन का उद्घाटन नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ओली ने सार्क के सदस्य देशों की आर्थिक ताकत का लाभ उठाने की अपील की।
वहीं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए खासकर जमीन के माध्यम से जुड़ाव करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, संपर्क हमारे विकास के केंद्र में है, इसी से तय होगा कि हम संपन्नता और रोजगार के मामले में कितना आगे बढ़ पाते हैं। यातायात से जुड़ने के लिए रेल और मोटर परिवहन समझौते को पूरा करना आवश्यक है। South Asia is emerging as the potential global economic powerhouse. It is imperative that we build on this economic progress and its associated positive synergies and complementarities to promote enhanced cooperation in line with the objectives of the SAR. दक्षेस के विदेश मंत्रियों की बैठक में सार्क पर्यावरण और आपदा प्रबंधन केंद्र बनाने की बात तय हुई। हालांकि भारत और पाकिस्तान दोनों ने इसका मुख्यालय अपने यहां बनाने की पेशकश की। सार्क देशों के बीच जमीन के स्तर पर जुड़ाव में आमतौर पर पाकिस्तान बाधा बनता है, जिसकी वजह से अभी तक भारत और अफगानिस्तान के बीच सड़क मार्ग से आवाजाही नहीं शुरू हो पाई है। सार्क शिखर सम्मेलन 9 से 10 नवम्बर को इस्लामाबाद में होना है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। आसियान का सबसे विकसित देश थाईलैंड भारत के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाना चाहता है। थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री प्रवीत वोनसुवन ने कल दिल्ली में उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी से मुलाकात के बाद यह ऐलान किया। दोनों नेताओं के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में रक्षा के अलावा आपसी संबंधों पर चर्चा भी हुई। दोनों देश आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने पर भी राजी हुए। थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री आज रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात करेंगे। मशहूर अभिनेता शशि कपूर का आज जन्मदिन है। 1938 में आज ही के दिन कोलकाता में जन्मे शशि कपूर ने 100 से ज्यादा फिल्मों में बेहतरीन अभिनय किया। फिल्मों में उनके योगदान के लिए उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ, जहां तुम हो वहां मैं भी। अभिनय तो शशि कपूर के खून में था। शुरुआत हुई एक बाल कलाकार के रूप में। पिता पृथ्वीराज कपूर के नक्शे कदम पर चलते हुए वो थिएटर में काफी सक्रिय रहे। शादी के बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा और एक से बढ़कर एक फिल्में दी। तो पुरानी पुरानी हो गई। कह दूं तुम्हें क्या चुप रहूं, दिल ने मेरे आज क्या है जो बोलो। फिल्म दीवार में उनका संवाद मेरे पास माँ है आज भी सभी की जुबान पर है। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। उन्होंने हॉलीवुड की फिल्मों में भी काम किया। मर्चेंट आइवरी की फिल्म द हाउसहोल्ड में उन्होंने एक मध्यम वर्गीय युवक की भूमिका अदा की, तो हीट एंड डस्ट में उनका राजसी अंदाज दिखा। वहीं इन कस्टडी में उन्होंने एक बुजुर्ग शायर की भूमिका निभाई। सितारे बन गए, लिखे जो खत तुझे। 1978 में शशि कपूर ने प्रोडक्शन हाउस खोला, जिसके बैनर तले उन्होंने जुनून, विजेता, 36 चौरंगी लेन और उत्सव जैसी सार्थक फिल्मों का निर्माण किया। यारी तेरी, मुझे जिंदगी से भी प्यारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। यारी तेरी, मुझे जिंदगी से प्यारी है। और आखिर में हेडलाइंस। सतलज यमुना लिंक नहर विवाद में राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग। हरियाणा कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात। पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी के 194 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राहुल सिन्हा और अदाकारा रूपा गांगुली का नाम भी शामिल। सीईसी की बैठक में केरल के उम्मीदवारों पर नहीं बन सकी सहमति। जाट नेताओं की हरियाणा सरकार के साथ आज चंडीगढ़ में बैठक। बैठक के बाद ही आंदोलन पर होगा फैसला। संवेदनशील इलाकों में अर्धसैनिक बल तैनात। विजय माल्या केस में सीबीआई ने 4 देशों से मांगी मदद। 6 लाख बैंकिंग लेन देन की पड़ताल शुरू। पेशी के लिए माल्या ने अप्रैल तक का मांगा वक्त।
पठानकोट हमले की जांच के लिए 27 मार्च को भारत आएगा पाकिस्तानी दल। नेपाल में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की सरताज अजीज से मुलाकात। प्रधानमंत्री को सार्क शिखर सम्मेलन का न्योता। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।